दुनिया में फैली कोविड-19 की दहशत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सेक्शन में है, जिसे लेकर आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है, जिसे लेकर सहारनपुर में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल की गई और अपनी व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया। सहारनपुर CMS रतनपाल सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में सभी तैयारियां पूर्ण हैं, ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में उनका समय 1 मिनट का रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि मास्क का प्रयोग करें, भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह लें। देखिए, हमारे यहाँ जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में 50 बेड का पीकू वार्ड है कोरोना से निपटने के लिए। अभी हमने एक डमी पेशेंट पर रिहर्सल किया है कि हमारी तैयारियाँ कैसी हैं उसको परखने के लिए। जैसे ही मरीज एम्बुलेंस से नीचे आता है तो हम पहले मरीज को रिसीव करते हैं PPE किट पहन करके, और उसको ऑक्सीजन तुरंत लगा दी जाती है। उसके बाद तुरंत ही मरीज को हम पीकू वार्ड में लेकर आते हैं और वहाँ पे डॉक्टर पहले से ही मौजूद होता है, स्टाफ भी पूरा मौजूद होता है, और डॉक्टर उसके पूरे वाइटल्स देखता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उसका SpO2 कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है ब्लड में। जब उसका हम SpO2 देख लेते हैं कि यदि उसका SpO2 लेवल 90 से नीचे है, थोड़ा सा हम सतर्क हो जाते हैं और उसको हम एकदम ICU वार्ड में लेते हैं। हमारे यहाँ जो ICU वार्ड है वो उसमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं, 10 बेड का ICU वार्ड है, और जनरल वार्ड जो है हमारा 40 बेड का है। उसमें हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 50 हैं, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और हमारे पास सभी दवाएं उपलब्ध हैं, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सावधानी हमें ज़रूरत बरतनी है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर निकले अपने घर से तो मास्क लगा कर के रहे और अपना प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। जो रिस्पॉन्स टाइम रहा है वो कितना रहा है? सर, हमारा रेस्पॉन्स टाइम तो बहुत ही कम, हम कोशिश करते हैं कि हम शायद 1 मिनट में ऊपर आ गए हैं और हमने तुरंत डॉक्टर ने हमारे देखा है और उसको ICU वार्ड में हमारे मरीज को ले लिया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।